नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिता। राजस्थान की सियासत इन दिनों जंग का मैदान बन गई है और जंग में खड़े हैं एक ही पार्टी के दो दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट। 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां दोनों नेता को एक साथ मिलकर चुनाव कैंपेन चलाना था, वहां ये नेता एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े दिख रहे हैं। अशोक गहलोत से बगावत कर सचिन पायलट किसान रैली कर रहे हैं, जहां पायलट गुट के मंत्री लगातार अशोक गहलोत पर हमलावर है, तो वहीं अशोक गहलोत प्रदेश में चिंतन शिविर करने में व्यस्त है। इस शिविर में गहलोत अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। हर मंत्री विभागवार अपने कामकाज और चार साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा देंगे। इस शिविर में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को कितना लागू किया गया इसके बारे में भी अपडेट रखा जाएगा। सचिन पायलट की रैलियों की बात करें तो इसमें खास बात यह है कि सचिन पायलट इस बार रैलियां पश्चिम राजस्थान में कर रहे हैं, न कि गुर्जर बाहुल्य पूर्वी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में अपनी रैलियों में भीड़ जुटाकर सचिन पायलट ही दिखाना चाहते हैं कि वे पूरे राजस्थान में और सभी जातियों में लोकप्रिय है। इन रैलियों के दो मकसद है, एक कांग्रेस हाईकमान पर राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन के लिए दबाव बनाना और दूसरा ये दिखाना कि वे सिर्फ गुर्जर बाहुल्य पूर्वी राजस्थान में ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रभाव क्षेत्र वाले पश्चिमी राजस्थान में भी उतने ही लोकप्रिय है। पश्चिमी राजस्थान जाट बाहुल्य क्षेत्र है। राजस्थान की 40% विधानसभा सीट पश्चिमी राजस्थान से आती है। इन क्षेत्रों में अगर सचिन पायलट गहलोत से ज्यादा लोकप्रिय साबित हुए तो आला कमान नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर सकता है। ऐसे में साफ तौर पर इन रैलियों का मकसद पायलट का शक्ति प्रदर्शन करना है। सोमवार को पायलट ने नागौर से किसान रैली की शुरुआत की। यहां पर गहलोत कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हेमाराम चौधरी ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। हेमाराम चौधरी ने कहा कि मैं 75 साल का हो गया, अगर मैं अब भी पद के लिए डटा रहूं और दूसरों को मौका नहीं दूं तो कहां तक उचित है। हमें विचार करने की जरूरत है, अगर हम विचार नहीं करेंगे तो युवा धक्का मार कर मौका ले लेंगे। हेमाराम चौधरी यही नहीं थमे और उन्होंने आगे कहा कि आज किसानों को बिजली नहीं मिल रही, मेरे पास किसानों के फोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बिजली नहीं थी तो किसानों को पहले ही बता देते, वे बुआई नहीं करते। हेमाराम ने कहा कि आप मजबूती से खड़े रहे, लेकिन हमारे शासन में किसानों की हालत ठीक नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। कुछ लोग एक हाथ से ताली बजाना चाहते हैं, वो ये बात दिमाग से निकाल दें, क्योंकि कुछ लोग कांग्रेस की मजबूती के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खुद की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ पायलट की तारीफ करते हुए हेमाराम चौधरी ने कहा कि पायलट के पास आज कोई पद नहीं है, फिर भी उनको सुनने के लिए इतनी भीड़ आ रही है, ऐसा व्यक्ति मैंने तो आज तक नहीं देखा। पायलट हमें जो भी निर्देश दे, हमें तो उस पर ही आगे बढ़ना है। ये तो रही हेमाराम चौधरी की बात। इस रैली में सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत पर निशाने साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सचिन पायलट ने इशारों ही इशारों में पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला। पायलट ने कहा कि छोटे मोटे दलालों पर कार्रवाई के बजाय उनको पकड़ना चाहिए जो सरगना है, जो इस तरह के काम होने देते हैं। इसी के साथ इस सभा में पायलट ने ये भी याद दिलाया कि कैसे 2013 में कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी, महज 21 विधायक जीते थे। तब उन्होंने गांव-गांव जाकर कांग्रेस को मजबूत किया, लाठियां खाई। इस सभा में पायलट ने केंद्र सरकार से भी मांग करते हुए कहा कि वे MSP पर कानून बनाएं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि कांग्रेस इन हालातों के चलते इस बार राजस्थान में सरकार कैसे रिपीट कर पाएगी, क्योंकि भले ही मुख्यमंत्री जी बार बार ये दावा करते हो, लेकिन पायलट और उनके बीच के मनमुटाव के चलते ये संभव होना नामुमकिन है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की राजनीतिक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ENN भारत को। नमस्कार।